नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सहज कौर, गुरु नानक स्कूल की स्टूडेंट, आप सबके साथ आज के टॉपिक सक्सेस के ऊपर तनीषा अहलावत और तमन्ना कौर से कुछ बातें करने जा रही हूँ। तो तमन्ना और तनीषा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज रेडियो खुशी में आके? हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आज अपने व्यूज़ शेयर करेंगे आपके साथ। जी, हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब करना चाहिए हमें। तो आप जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस, तो आपके विषय में सक्सेस क्या है, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस है क्या? देखिए, सक्सेस जो होती है ना, सब्जेक्टिव होती है। हर किसी के लिए सक्सेस अलग अलग होती है। जो चीज़ आपने मोटिव एम कर रखा है अपनी लाइफ का, अगर आपको वो चीज़ अचीव हो गई तो वो मेरे लिए तो सक्सेस वही होती है। तनीषा, आप क्या कहना चाहेंगी? सक्सेस मेरे लिए वो है जो कि फेलियर्स की जो हैबिट में चीज़ें नहीं होती, और जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो लोग जो अपनी हैबिट में वो चीज़ें लाते हैं जो फेलियर्स नहीं करना चाहते, वह सक्सेस कहलाती है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो क्या फेलियर्स जब होते हैं तो आपको क्या लगता है सक्सेस तभी आती है जब फेलियर्स हो? क्या बिना सक्सेस फेलियर के सक्सेस नहीं आ सकती? जी, मेरे हिसाब से तो बिना फेलियर के सक्सेस नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपको फेलियर नहीं मिलेगा तो आपको कोई लेसन नहीं मिलेगा सीखने के लिए। अगर आपको लेसन नहीं सीखने को मिलेगा तो आपकी कोई गलतियाँ नहीं निकलेंगी। तो मेरे हिसाब से हर एक लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में उसको एक ना एक बार फेल होना तो ज़रूरी है। तनीषा, फेलियर्स जो हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन होते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि कहाँ हमारी मिस्टेक है, कहाँ हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ हमारी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये फैक्ट्स हमें फेलियर के थ्रू ही पता चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस में स्ट्रगल का भी उतना ही महत्व है जितना फेलियर का है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए, जो रास्ता होता है ना सक्सेस का, वो कांटों से भरा होता है। अगर उसमें सारे फूल पत्ती ये सब रखे होंगे तो जो लोग होते हैं ना, वो सक्सेस का महत्व नहीं जान पाएंगे। तो जब तक आपके रास्ते में कांटे नहीं आएंगे, आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तमन्ना, आपने बात तो बहुत अच्छी करी है कि सक्सेस के रास्ते में कांटे बहुत होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी तनीषा? स्ट्रगल एक हमारे मतलब सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रगल के बिना आप हार्डवर्क नहीं जान पाएंगे, आप जो मतलब मोटिवेशन आपको नहीं आएगी, और ये सब चीज़ें। हाँ, सही बोला, बिना स्ट्रगल के हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आती है। अगर हम देखें तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने बहुत स्ट्रगल किया है। थॉमस एल्वा एडिसन, जैसा कि आप जानते हैं, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एक बल्ब बना था। वही अगर हमारे जैसा कोई आम इंसान होता, हम तो पहले बार में ही छोड़ देते। तो आपको क्या, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस है क्या, आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? जी, मैंने जो भी बोला, मेरी डेफिनेशन तो वही थी कि मेरे लिए सक्सेस सब्जेक्टिव है। मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसे सपोज अगर मेरे अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं और मेरा एक एम है कि मुझे इस एग्ज़ाम में 95% स्कोर करना है, और अगर मैंने वो चीज़ स्कोर कर ली तो मेरे लिए तो वही सक्सेस है, क्योंकि मैं अपने मिशन में, अपने एम में मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। ये एज अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज कि जिसमें मेरे को अपने गोल का पता चल जाए, और उसके लिए मैं स्ट्रगल और उसके लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू लीड टू मी दैट सक्सेस। आपने तो बहुत अच्छा बोला कि सक्सेस में हमेशा हार्डवर्क और डेडिकेशन होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो बिना हार्डवर्क और डेडिकेशन के भी सोचते हैं कि उनको सक्सेस मिल जाए। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, अभी हमारे प्री बोर्ड्स हुए जैसे, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने सोचा कि बिना पढ़े कुछ नहीं होता, भगवान भरोसे चल लेते हैं और देखेंगे जो होगा, और फिर जब उनके मार्क्स नहीं आते हैं उनको लगता है कि उनका फेलियर हो गया, बट उन्होंने जब कोई स्ट्रगल ही नहीं किया तो वो सक्सेस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? तो आपका इस बारे में क्या व्यू है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि वो भगवान भरोसे गए, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको अगर भगवान भरोसे जाएंगे, क्योंकि देखिए भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। भगवान सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको इस पाथ पर चलना है। भगवान आपको पूरा ही आपको सक्सेस एकदम से प्रोवाइड नहीं कर सकता, उस सक्सेस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये वो बच्चे बिल्कुल गलत है जिन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान सब देख लेंगे। तो तनीषा, आपका क्या कहना है इस बारे में? विदाउट हार्डवर्क एंड डेडिकेशन आप कैसे एग्जाम में बैठने जा रहे? खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? सही बोला, खाली दिमाग तो शैतान का होता है। और ये भी बात है कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं कहते कि भगवान भरोसे चल लेते, फिर मार्क्स नहीं आते तो रोते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में कोई गोल्स या कोई मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिना गोल्स के भी हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो गोल्स ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में गोल सेट कर लिया है
तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम को शुरू करेंगे। जैसे अगर अभी मैं प्री बोर्ड्स की बात लेती हूँ और अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर मैंने सोचा है कि मुझे 95% स्कोर करने हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चालू करूंगी। तो गोल्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस के लिए। और तनीषा आपके गोल्स जो हैं वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं एक सक्सेस के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि मतलब सक्सेस के लिए हमें सक्सेस के बिना हमें हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, और एक इंसान के लिए हैप्पीनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो फिर उसके लिए आपको मतलब गोल्स अपने अचीव कर लेने चाहिए, बिकॉज एमलेस इज नॉट हेल्पफुल। तो जैसा कि आपने बोला कि अभी प्री बोर्ड्स टाइम पर कि आप मतलब पढ़ाई वढ़ाई आपने करी, तो आपको क्या लगता है कि एक बंदा क्या सक्सेसफुल हो सकता है जब वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर काम कर रहा हो? क्योंकि होता है कभी कभार कि बहुत ज़्यादा स्कूल से, घर से या अपने फ्रेंड से बच्चों को बहुत प्रेशर मिलता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या आपको लगता है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 करके भी कुछ हो सकता है सक्सेस, मतलब एक एग्ज़ाम में? मैं पूछ रही हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में हर किसी की लाइफ में पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, बट एक बच्चा अंडर प्रेशर कभी नहीं पढ़ पाएगा। आप उसको जितना प्रेशराइज करोगे, जितना उस पर आप बर्डन डालोगे, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप उसको बिना प्रेशर के अगर आप उसको पढ़ाने बिठाओगे, तो मेरे हिसाब से तो वो डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स स्कोर करके आपको देगा। आपने बात तो बिल्कुल सही बोली। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद मिलते हैं हम अपने वही सक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।